जागरण जोश आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए संदर्भित सप्ताह के दौरान घटित विभिन्न परीक्षोपयोगी घटनाओं में से 15 महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रस्तुत कर रहा है। ये घटनाएं परीक्षा में पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्नों की तैयारी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। रूस और पाकिस्तान पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के लिए सहमत हुए। भारतीय मूल की राज राजेश्वरी न्यूयॉर्क में न्यायाधीश नियुक्त। वर्ष 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3% रहने की उम्मीद, मूडीज। भारत और कनाडा ने यूरेनियम आपूर्ति के लिए परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स की योजना बनाई। भारत ने परमाणु क्षमता वाले अग्नि 3 मिसाइल का उड़ीसा तट के व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण किया। पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा का निधन। स्टैनफोर्ड शोधकर्ताओं ने 1 मिनट में चार्ज होने वाली स्मार्टफोन बैटरी का निर्माण किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार संशोधन नियम 2015 जारी किए। बीएसएफ के जवानों के लिए टेलीमेडिसिन नेटवर्क की शुरुआत। विश्व बैंक ने प्रवास एवं विकास संबंधी संक्षिप्त पत्र जारी किया। वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी एनेस्थेटिक गैसों का पता लगाया। ठाणे को नेशनल अर्थ आवर कैपिटल 2015 बनाए जाने की घोषणा, वर्ल्ड वाइड फंड। साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। सारिका के पूर्व संपादक और कथाकार अवध नारायण मुद्गल का निधन। करंट अफेयर्स विस्तार से। रूस और पाकिस्तान पहली बार संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के लिए सहमत हुए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और उनके रूसी समकक्ष सेग्रेई शोइगु के बीच मॉस्को में हुई बैठक में यह समझौता हुआ। दोनों देश रक्षा उद्योग और सैन्य प्रशिक्षण में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए। हथियारों और उपकरण का आयात बढ़ाने तथा सैन्य अभ्यास में संयुक्त भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए। विवाद राजनयिक तरीके से सुलझाने और बल का इस्तेमाल बंद करने पर दोनों देशों ने सहमति जताई। भारतीय मूल की राज राजेश्वरी न्यूयॉर्क में न्यायाधीश नियुक्त। ये पहला मौका है जब कोई भारतीय मूल का व्यक्ति न्यूयॉर्क में न्यायाधीश नियुक्त किया गया हो। चेन्नई में जन्मी 43 वर्षीय राज राजेश्वरी 16 साल की उम्र से ही अमेरिका में हैं। उन्हें मेयर बिल डे ब्लेसिया ने न्यूयॉर्क न्यायालय के पीठ के लिए नामांकित किया था। विदित हो कि एक वकील के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान राज राजेश्वरी ने दक्षिण एशियाई मूल के परिवारों में घरेलू उत्पीड़न के कई मामले को अपने स्तर पर न्यायालय में उठाया। वर्ष 2015 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3% होने की उम्मीद, मूडीज। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडी ने 17 अप्रैल 2015 को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष 2015 में 7.5% विकास का पूर्वानुमान लगाया है। यह वृद्धि दर 2014 के 7.2% की तुलना में मामूली बढ़त के साथ अनुमानित की गई है। विकास के अनुमानों में उस समय और तेजी आई जब 9 अप्रैल 2015 को मूडीज ने अपने अनुमान के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर से सकारात्मक रेटिंग दी। विश्व बैंक ने 13 अप्रैल 2015 को जारी अपनी दक्षिण एशिया आर्थिक फोकस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2015-16 में 7.5% से बढ़ेगी तथा 2017-18 में यह आंकड़ा 8% तक पहुँच सकता है। भारत और कनाडा ने यूरेनियम आपूर्ति के लिए परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अनुसार कैनेडियन केमिको कॉरपोरेशन 2020 तक भारत को 7.1 लाख पाउंड यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। यूरेनियम केमिको के उत्तरी सैस्केचेवान स्रोतों से दिया जाएगा। केमिको कॉरपोरेशन विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक है। यह 2015 के अंत में भारत को पहली खेप देगा तथा इसकी कीमत यूरेनियम के तत्कालीन बाजार मूल्य पर आधारित होगी। यह समझौता वर्ष 2013 में हुए परमाणु समझौते का ही हिस्सा है तथा यह भारत के लिए रणनीतिक व आर्थिक रूप से महत्व रखता है। केंद्र सरकार ने अक्षय ऊर्जा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स की योजना बनाई।
ग्रीन बॉन्ड्स या क्लाइमेट बॉन्ड्स निश्चित आमदनी वाले वित्तीय इंस्ट्रूमेंट्स बॉन्ड्स हैं जो जलवायु परिवर्तन समाधानों से जुड़े हैं। ये बॉन्ड डॉलर या रुपए के होंगे और अपेक्षाकृत एक नई परिसंपत्ति वर्ग के हैं। केंद्र सरकार ने साल 2022 तक अपने 100 गीगावाट यानी GW के सौर ऊर्जा और 60,000 मेगावाट के पवन ऊर्जा स्थापित करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास किया। सामान्य बॉन्ड्स की तरह ये बॉन्ड सरकार बहुराष्ट्रीय बैंकों या निगमों द्वारा जारी किया जा सकता है। जारी करने वाली इकाई कुछ निर्धारित समय में बॉन्ड के पुनर्भुगतान की गारंटी देता है और साथ वापसी की निश्चित या चर दर निर्धारित करता है। भारत ने परमाणु क्षमता वाले अग्नि 3 मिसाइल का उड़ीसा तट के व्हीलर द्वीप से सफल परीक्षण किया। स्वदेश में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली अग्नि 3 मिसाइल का व्हीलर द्वीप पर एकीकृत परीक्षण रेंज ITR के परिसर 4 से सचल प्रक्षेपक द्वारा प्रायोगिक परीक्षण किया गया। सतह से सतह तक मार करने वाले मिसाइल का परीक्षण भारतीय सेना के सामरिक बल कमांड यानी SFC द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO की सहायता से किया गया। SFC भारत के परमाणु कमान प्राधिकरण यानी NCA का एक हिस्सा है जो देश के सामरिक और रणनीतिक परमाणु हथियार भंडार के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित है। पूर्व नेपाली प्रधानमंत्री सूर्य बहादुर थापा का निधन। 21 मार्च 1928 को धनकुटा जिले के मोगा गांव में जन्मे थापा ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की थी। 50 वर्ष से भी अधिक के राजनीतिक कार्यकाल में वे 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में निर्वाचित किए गए। उनके पुत्र सुनील बहादुर थापा सुशील कोइराला के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं। स्टैनफोर्ड शोधकर्ताओं ने 1 मिनट में चार्ज होने वाली स्मार्टफोन बैटरी का निर्माण किया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र के प्रोफेसर होग्जी डाई इस शोध के प्रमुख शोधकर्ता हैं। यह पहली एल्यूमिनियम बैटरी है जो कम समय में चार्ज लंबे समय तक चलने वाली तथा कम कीमत में उपलब्ध होगी। शोधकर्ताओं ने इसमें एल्यूमिनियम एनोड, एक ग्रेफाइट कैथोड तथा एक तरल इलेक्ट्रोलाइट को पॉलीमर कोटेड पाउच में रखा। इलेक्ट्रोलाइट पूर्णतया सुरक्षित है क्योंकि यह कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार संशोधन नियम 2015 जारी किए। यह नियमावली राज्यपाल भत्ते और विशेषाधिकार संशोधन नियमावली 2015 के नाम से जानी जाएगी। संशोधन में राज्यपालों की राज्य के बाहर घरेलू या विदेश यात्रा के नियमन से जुड़े नियमों के 18 सेट अधिसूचित किए गए हैं। इसके तहत राज्यपालों को एक वर्ष में कम से कम 229 दिन अपने संबंधित राज्य में रहना होगा। BSF के जवानों के लिए टेलीमेडिसिन नेटवर्क की शुरुआत। इस सुविधा का उद्देश्य दूरदराज के इलाकों में तैनात सैनिकों को चिकित्सीय सुविधा मुहैया कराना है। टेलीमेडिसिन नेटवर्क की यह सुविधा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के कदमताल स्थित कंपोजिट अस्पताल से संचालित होगी। यह अस्पताल उपग्रह फोन और VSAT प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीमा सुरक्षा बल की चौकियों से जुड़ा रहेगा। इन चौकियों में भारत पाक और भारत बांग्लादेश की सीमा से जुड़ी चौकियां शामिल हैं। विश्व बैंक ने प्रवास एवं विकास संबंधी संक्षिप्त पत्र जारी किया। रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को प्रवासी नागरिकों द्वारा विदेशी मुद्रा के रूप में वर्ष 2015 में 440 अरब अमेरिकी डॉलर तक धन प्राप्ति का अनुमान है। यह वर्ष 2014 से 0.9% अधिक है। वैश्विक स्तर पर यह वृद्धि 0.4% के साथ 586 अरब अमेरिकी डॉलर तक होने का अनुमान है। जिन 5 शीर्ष देशों से प्रवास हुआ वे हैं भारत, चीन, फिलीपींस, मेक्सिको और नाइजीरिया। 5 प्रमुख देश जिनमें सबसे अधिक लोगों ने जाना पसंद किया वे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, जर्मनी, रूस और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE। वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी एनेस्थेटिक गैसों का पता लगाया। वैश्विक वातावरण में
डेसफ्लुरेन, आइसफ्लुरेन तथा सेवाफ्लुरेन जैसी गैसों की मौजूदगी तेजी से बढ़ रही है। इनकी मौजूदगी एंटार्क्टिक तक पाई गई है। ऑनलाइन भूभौतिकीय अनुसंधान पत्र के 13 मार्च 2015 प्रकाशित लेख मॉडर्न इनहेलेशन एनेस्थेटिक्स पोटेंट ग्रीनहाउस गैसेस इन ग्लोबल एटमॉस्फेयर में यह खुलासा किया गया। अधिकतर विकसित देशों के लिए एनेस्थेटिक्स गैसों की वातावरण में मौजूदगी एक मजबूरी बन चुकी है, जबकि विश्व के बहुत से देशों में आज भी नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O तथा हेलोथेन का प्रयोग मानव एनेस्थेसियोलॉजी के लिए किया जाता है। थाने को नेशनल अर्थ आवर कैपिटल 2015 बनाए जाने की घोषणा वर्ल्डवाइड फंड। अंतिम चरण में 3 प्रतिभागियों राजकोट, पुणे और थाने में से थाने विजयी रहा। शहर के मोबिलिटी प्लान और सौर ऊर्जा और कूड़े से ऊर्जा की पहल के लिए निर्णायक समिति ने पुणे को विशेष उल्लेखनीय क्षेत्र की श्रेणी में रखा। शहरी इमारतों में सौर ताप जल संयंत्र लगाए जाने की अनिवार्यता, वायु सौर ऊर्जा हाइब्रिड प्रणाली के प्रयोग आदि योजना के कारण थाने का चयन नेशनल अर्थ आवर कैपिटल के लिए किया गया। साइना नेहवाल विश्व बैडमिंटन महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर। चीन की ली शुरुई के 3rd स्थान पर आने के साथ साइना दोबारा पहले पायदान पर पहुंच गई। इससे पहले मार्च 2015 में दिल्ली में आयोजित की गई योनिक्स इंडियन ओपन सुपर सीरीज जीतने के बाद साइना विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचने वाली भारत की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई थी, परंतु मलेशिया ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में हारने के बाद उनकी विश्व रैंकिंग 2 हो गई थी। सारिका के पूर्व संपादक और कथाकार अवध नारायण मुद्गल का निधन। अवध नारायण मुद्गल का जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा के पास बाह गांव में 28 फरवरी 1933 को हुआ। अवध नारायण मुद्गल 7वें दशक में अपनी कहानियों को लेकर चर्चित हुए थे। कवंज तथा फ्लंगी का सफरनामा उनकी चर्चित पुस्तकें हैं। मुद्गल 10 वर्ष तक सारिका के संपादक रहे। इसके अलावा उन्होंने वामा और पराग का भी संपादन किया। करंट अफेयर्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें jagranjosh.com।